इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे दिन दहाड़े दुकान में घुसकर तमंचे के दम पर ये लोग लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े ही लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। खबर बाजपुर की संजय कॉलोनी की है, जहां टीकम गोयल नाम की व्यापारी की होलसेल की दुकान में तीन युवक सामान लेने पहुंचे। सामान लेने के बहाने दुकान में बैठी महिला टीकम गोयल को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया, जिसके बाद ये लड़के दुकान के गल्ले में रखी करीब 2 लाख रुपए की नकदी को उड़ा कर ले गए। इस लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में व्यापारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि लूट की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट चुकी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लगभग 2 बजे की घटना है, तो इसमें एक दुकान है जो गोयल लोगों की है, और उसमें 3 लड़के आते हैं सामान खरीदने के बहाने, और वहाँ पर वो अकेले जो है लेडी हैं, तो उनको देखकर सामान खरीदने के लिए बोलते हैं और फिर उनसे जो है अंदर जो है उनको सामान के बहाने उलझाते हैं, फिर उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं, और फिर उसमें से बाहर निकलते हुए एक लड़का जो है गले से कुछ पैसे ले जाता है, जैसे कुछ बिखर भी जाते हैं, और वो लेके भाग जाते हैं। फिर वो नीचे बाहर आते हैं तो उसमें इस जो उनका बाइक है, बाइक में तीनों बैठकर भाग जाते हैं। इसमें जो है FIR आ गई, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। इसमें लगातार हम लोग इसमें हर तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें ये लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं और जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो इसमें सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड तक के लिए उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।